नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। एक नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, सीबीआई के सामने पेश होंगे पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस के लिए करेगी काम। आचार्य धर्मेंद्र ने राम मंदिर को लेकर सरकारी रवैये पर कसा तंज, कहा दो सप्ताह में मंदिर का निर्माण नहीं किया तो भुगतने होंगे परिणाम। और जयपुर नगर निगम का बजट 7 फरवरी को, शहर की सफाई व्यवस्था पर किए जाएंगे 150 करोड़ रुपए खर्च, नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही ये साफ किया कि राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को मानहानि याचिका पर नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी डेटा और लैपटॉप को सुरक्षित नहीं रख पाई। एसआईटी ने सीबीआई को गलत कॉल्स डेटा दिया था। बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अफसरों को परेशान कर रही है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार को हमारे जांच के आदेश से किस तरह की दिक्कत है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जांच में शामिल होने का आदेश देने में दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मुख्य सचिव, डीजीपी और राजीव कुमार के खिलाफ मानहानि का नोटिस देगी। आम चुनाव का बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन चुनावी शोरगुल शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इन दिनों भाजपा को नोटबंदी, जीएसटी और राफेल के मुद्दे पर तो घेर ही रही है, साथ ही कर्ज माफी और न्यूनतम आय की बात कहकर मतदाताओं को लुभाने का भी प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में लाना कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पूर्व का प्रभारी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक प्रियंका की भूमिका केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह पूरे देश में कांग्रेस के लिए काम करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में बालूरघाट और रायगंज में रैली करने से रोकने के बाद भाजपा ने ममता सरकार पर तंज कसा है। जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में मंगलवार की रैली की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने ममता सरकार से पूछा है हाउ इज द खौफ। पार्टी का मानना है कि टीएमसी द्वारा योगी को रोके जाने से आने वाले आम चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। भाजपा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुरुलिया में रैली के आयोजन में लगी है। योगी यहां भाजपा शासित झारखंड के रास्ते जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि योगी मंगलवार को विशेष विमान के जरिए रांची के लिए रवाना होंगे। यहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए बोकारो जाएंगे और फिर सड़क मार्ग के जरिए बंगाल पहुंचेंगे। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने खुद को भारत प्रत्यर्पित करने के ब्रिटेन सरकार के फैसले के कुछ घंटे बाद कहा कि वह अपील की प्रक्रिया शुरू करेगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री साजिद जावेद ने माल्या को करारा झटका देते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद माल्या की यह प्रतिक्रिया आई है। माल्या के पास ब्रिटेन के हाईकोर्ट में अपील की इजाजत हासिल करने के लिए 4 फरवरी से 14 दिनों का समय है। माल्या ने एक ट्वीट में कहा कि वह अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील की प्रक्रिया शुरू करेगा। ब्रिटिश गृह कार्यालय ने आज बताया कि धोखाधड़ी की साजिश रचने और धन शोधन के आरोपों में गृह मंत्री ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। इसे माल्या को वापस लाने के भारत के प्रयासों को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर मुलाकात की। केंद्र की ओर से सीबीआई के दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी से मुकाबले की अपनी रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई नेता मौजूद थे। बाद में पवार ने कहा कि दिन में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के चैम्बर में बैठक कर कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। विपक्षी नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन लोगों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अग्रणी आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने सरकारी रवैये पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2 सप्ताह में यदि श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आचार्य ने बताया कि 17 फरवरी को विराट नगर में होने वाले संत सम्मेलन में आगामी कार्रवाई की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। देश का संत समुदाय यथाशीघ्र मंदिर निर्माण चाहता है। उन्होंने न्यायपालिका की धीमी गति पर भी रोष जताया। ये बात समझनी चाहिए कि राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम इस देश के प्रतीक हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम यदि हमें पीड़ा होती है तो हम राम को स्मरण करते हैं, यदि हम धन्यवाद करते हैं तो भगवान राम को धन्यवाद करते हैं। मृत्यु के पश्चात भी जहां पर 95% जनता राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, पराकाष्ठा ही आस्था की। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिपेंड है हम राम के ऊपर, घृणा होती का राम 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 राम, और फिर उसके बाद हाय राम ये क्या हो गया। और जिनको भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वे उन्होंने भी मरते समय हे राम शब्द कहा था, हे राम हे राम हे राम, उन्होंने 3 बार भी कहा, 1 बार कहा या अंतकरण से कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा नहीं कहा ये बात जाने दीजिए, लेकिन सीधी सी बात है कि राम और हमारे श्वास प्रश्वास अभिन्न है। और आप जो आए थे वो इसी आकांक्षा को लेकर आए थे, आपका नारा था मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। जयपुर नगर निगम का बजट 1,870 करोड़ रुपए से अधिक का होगा और यह बजट पिछले बजट से 14 करोड़ रुपए अधिक होगा। शहर की सफाई व्यवस्था पर सबसे अधिक 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया है। यही नहीं, शमशान, सड़क एवं सिविल विकास पर भी बजट में प्रावधान है। निगम में नए वाहन खरीदे जाएंगे। निगम का बजट 7 फरवरी को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। वित्त समिति के चेयरमैन सत्यनारायण धामाणी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जयपुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय व्ययक अनुमान राशि 1,870.7 करोड़ रुपए रखी गई है, जो गत वर्ष के बजट से 14 करोड़ रुपए अधिक है। बजट को बिना चर्चा के ही समिति ने पास कर दिया है। दीन सीखने सिखाने और बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाने का सबक देते हुए रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में आयोजित दीनी तबलगी इज्तिमा संपन्न हो गया। इज्तिमा के आखिरी दिन हजारों अकीदतमंदों ने देश दुनिया में अमन चैन और भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। इससे पहले हुए उलेमाओं के बयान हुए, जिनमें मुफ्ती सलीम साहब ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसी ने कायनात बनाई। मुफ्ती अजमत अली साहब ने कहा कि इंसान को प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जिस तरह से नमाज के वक्त सब एक साथ खड़े होते हैं, उसी तरह दिलों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। कैंसर बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करने की जरूरत है। कैंसर एक बीमारी है जिसे उपचार से ठीक किया जा सकता है। इन जैसे कई संदेश कैंसर रोगियों की ओर से आमजन को दिए गए। मौका था भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का।
कार्यक्रम के दौरान कैंसर रोगियों और उनके परिजनों के मनोबल और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। चिकित्सालय के साइको ऑंकोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रोगियों के लिए ट्री प्लांटेशन, पॉजिटिव मैसेज और बॉडी मूवमेंट जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण प्रतियोगिता के साथ हुई। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।